शरीर को स्थूल सूक्ष्म और कारण के भेद से तीन प्रकार से जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था व्यापार कराने वाला है, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न की अवस्था में इंद्रियों को भोग प्रदान करने वाला तथा करण शरीर कारण शरीर सुषुप्त अवस्था में आत्मानंद की अनुभूति करने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध के कर्म अनुसार सुख अथवा दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों को फल स्वरूप सुख और पाप कर्म के फल स्वरूप दुख प्राप्त करता है। अतः कर्म पास से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों का सदा चक्र की भांति बार बार फल भोगता है और उस चक्र में घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता देव का स्तवन एवं आराधना करना चाहिए। प्रकृति आदि जो आठ हैं उन्हें पास बतलाए गए हैं, उनका समुदाय महाचक्र है और जो प्रकृति से परे हैं वे परमात्मा शिव हैं। भगवान शिव महेश्वर की प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं क्योंकि वे इस प्रकृति से परे हैं। हमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन क्यों करना चाहिए, ये बता रहा हूं, मार्ग वही है। या तो हम सभी सत्कर्मों से दूर रहकर इन कर्मों में व्यस्त रहें और जो भी हमें मिल रहा है हम करते रहें। हमें मुक्ति की चाह ना हो कि हम बंधन में ही प्रसन्न हैं, हमें ये बंधन मिले यही मिलते रहें। और जो चाहते हैं कि हम इस बंधन से मुक्त हों, ऐसे लोगों को बंधन से मुक्त होने का प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति जिनके बस में, जो प्रकृति से परे हैं, वो भूत भावन भोलेनाथ, वो विश्वनाथ, वो स्वामी है प्रकृति के।